राइट, सो मैंने ऑलरेडी कुछ जॉब शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, बट टीम लिखा है अगेन 23 अक्टूबर इज क्लोजिंग है, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप तुरंत ही अप्लाई कर देना, डोंट वेट टिल द लास्ट लोकेशन के लिए. ये मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट इज द जॉब टाइटल. दे आर लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, पढ़ा है ACCA में, तो अगर आप क्योंकि ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट लिखा है तो यस ACCA अगर आप एफिलिएट हो या मेंबर हो तो आप इसके लिए अप्लाई. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर बूस्ट फ्राइडे. तो आज के एपिसोड में भी आई हैव लिस्टेड डाउन कुछ 8 to 9 जॉब्स जो कि मैं शेयर करूंगी अगेन कि वो क्या क्या जॉब्स हैं और आप कहाँ पे जाकर उनको अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड हिटिंग दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट एवरी फ्राइडे जब हमारा ये वीडियो आए आपको पता चल जाए, आप तुरंत देख के यू नो अकॉर्डिंगली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस फिनट्राम ग्लोबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम जॉब अपडेट्स से काफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं. एंड मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल हु माइट बी लुकिंग फॉर अ जॉब. All right, so without wasting any time, let's quickly dive in and see कि इस week क्या क्या और new jobs आए हैं और क्या क्या और opportunities हैं जहां पे आप apply कर सकते हो. So let's start. All right, so मैंने already कुछ jobs shortlist करके रखे हैं, but जैसे कि मैंने आपको पहले episode में भी बोला था कि jobs.acca एक global official website है जहां आप जाके search कर सकते हो jobs. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके एक बार देख लो कि वहां पे कैसे वेबसाइट पे जाना है, कैसे आप फिल्टर लगा सकते हो. अभी के लिए मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं. तो ये एक जॉब है जो कि 25 सितंबर को पोस्ट है और 25 अक्टूबर तक ओपन है. बक प्रूफर कंपनी है एंड ये लोकेशन होगी कैलिकट केरला में. एंट्री लेवल का जॉब है. सो यहाँ पे क्लियरली बस इतना ही मेंशन है दैट दे आर लुकिंग फॉर ACCA एफिलिएट्स विद 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट. तो अगर आप ACCA एफिलिएट हो और आपके पास 1 year एक्सपीरियंस है या नहीं भी एक्सपीरियंस है, किसी 0 to 1 लिखा है तो भी चलेगा. अगर आपने जस्ट ACCA अब कंप्लीट कर लिया, आपने सारे पेपर्स दे दिए एंड नाउ यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड सिंस ऑडिट में है तो अच्छा भी रहेगा आपके लिए. यू नो ऑडिट तो हमने पढ़ाई है ACCA में एंड आपका जो है PR रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाएगा. 3 years वर्क एक्स तो करने ही है, राइट. तो इफ यू आर एन ACCA एफिलिएट, आपने सारे एग्जाम्स दे दिए, आप एफिलिएट बन चुके हो, सब एग्जाम्स क्लियर हो गए, देन डेफिनेटली You can apply for this job. यहाँ पे simply जाके आपको form भरना होगा, अपना CV upload करना होगा and आप application भेज सकते हो. Company के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इस पे click करो, इस image पे, और उसके बारे में भी details आ जाती हैं. All right, then let's move on to the next job. ये जो job है ये एक company है Peakvisory. Now ये चंडीगढ़ में job opportunity है. ये फुल टाइम जॉब है और अगेन एंट्री लेवल टाइप का ही जॉब है. ग्रेजुएट स्कीम लिखा है. अगेन 23 अक्टूबर इज क्लोजिंग है, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप तुरंत ही अप्लाई कर देना, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट. ऑलराइट, तो इसमें लिखा है दैट दे आर लुकिंग फॉर समवन टू परफॉर्म डिटेल फाइनेंशियल प्रिपरेशन के प्रोसीजर्स, असिस्ट करना हमारे वही बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में. IFRS के बारे में भी लिखा है एंड रोल में ये बताया गया कि 70% फाइनेंशियल वर्क होगा, 30% वो बुक कीपिंग का काम कराएंगे. तो अगेन इसमें कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है दैट यू नो क्या रिक्वायरमेंट है कि ACCA एफिलिएट अप्लाई कर सकता है या अगर किसी ने पार्ट क्वालिफाइड कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है पार्ट क्वालिफाइड भी. सो यस, इफ यू आर अ BCom ग्रेजुएट और इफ यू आर समवन हु इज परसुइंग लेट्स से ACCA और आपके कुछ पेपर्स क्लियर हो गए हैं, या ऑफ कोर्स अगर आप एफिलिएट हो तो आप इन उस कैटेगरी में अगर आते हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. यूके अकाउंट्स एसोसिएट रोल है, दिस द कंपनी और ये चंडीगढ़ में. तो डेफिनेटली अगर आप उस जगह हो या इफ यू आर विलिंग टू मूव अराउंड पास में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फिल्टर भी लगा सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट जॉब है मुंबई की लोकेशन के लिए. ये मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट इज द जॉब टाइटल. दे आर लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट. सो यस, अगेन यू शुड हैव कंप्लीटेड ऑल योर ACCA एग्जाम्स एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है अगर, तो ये भी आपको यू नो एक सॉर्ट ऑफ फायदा देगा, स्पेशली फॉर द सीनियर एसोसिएट पोजिशन. आई थिंक एसोसिएट में अगर इफ यू हैव जस्ट
let's say completed your ECCA, like you are an affiliate, you should be able to probably, and of course आपको ये सारी चीजें आपको बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, right? कि ये सब क्या है, जैसे यहाँ लिखा है verify performance by reviewing large P&L swings, analyzing income expenses, तो ये सारी चीजें हमने financial accruals, ये सब चीजें आपने of course पढ़ी है थोड़ी बहुत, right? Providing audit support assistant, तो ये सब हमने पढ़ा भी है, तो उसी से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए. मतलब कोई अगर ये टर्म्स बोल रहा है तो यू शुड नॉट बी लाइक ओ ये क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ डेली एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो ये सारी चीजें आपको पता है, राइट? ये सब हमने पढ़ा है ECCA में. तो अगर आप क्योंकि ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट लिखा है तो यस, ECCA अगर आप एफिलिएट हो या मेंबर हो तो आप इसके लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो. नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं. ये टैक्स स्पेशलिस्ट है, तो समवन जो कि इंटरेस्टेड है इन टैक्स, एंड लेट्स से आपने प्रोफेशनल लेवल भी दे दिया है ECCA का और उसमें आपने ऑलरेडी जो है टैक्स लिया था, तो ऑफ कोर्स यू माइट बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन टैक्स देन, राइट? तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. लोकेशन अगेन मुंबई है एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट. या इन्होंने लिखा है मिनिमम ईयर 0 to 1 year भी चलेगा, एंड अगर आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री है या फिर रेलिवेंट प्रोफेशनल पेरोल सर्टिफिकेशन है. मिनिमम डिग्री बैचलर्स डिग्री ही मांगी है, बट अगर ऑफकोर्स आपने ECCA किया और अगर टैक्स में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपके जीरो एक्सपीरियंस भी है तब भी यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये चेन्नई में जॉब अपॉर्चुनिटी है बार्क्लेज कंपनी एनालिस्ट ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, एंड एनालिस्ट इज द पोजिशन. तो यहाँ पूरा डिटेल्स में वैसे सब दिया है कि क्या आपको करना होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे. ऑल ऑफ दिस इज मेंशन. अगेन इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कुछ की कितना जॉब एक्सपीरियंस या कुछ ऐसे मांगा है. सो अगर आप फ्रेशर हो, लेट्स से इफ यू क्लियर योर ECCA एग्जाम्स और पार्ट क्वालिफाइड भी हो, आप तब भी एक बार ट्राई कर सकते हो अप्लाई करके, क्योंकि क्लियरली इसमें मेंशन नहीं है. तो आप अप्लाई बटन से भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, एंड इट विल टेक यू टू द वेबसाइट. Alright, then another company is Straight Street in Bangalore. Hedge fund accounting department में senior associate का role है. इसमें again they are looking for a qualified accountant. तो bachelor's degree or equivalent या professional accounting degree, यानी कि अगर आपने ECCA कर लिया, आप affiliate हो, definitely आप apply कर सकते हो. 2 से 4 साल work experience in accounting होगा तो भी beneficial रहेगा. सो अगर आपके पास 2 years एक्सपीरियंस है, एंड लेट्स से यू आर लुकिंग टू स्विच योर जॉब, देन आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. डू नोट 4th October को क्लोज होगा, तो इफ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई देन इसके लिए आपको फटाफट अप्लाई कर देना चाहिए. ऑलराइट, अनदर रोल इज द कंपनी शेल एंड रिपोर्टिंग एनालिस्ट का रोल है. अगेन दे आर लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट. तो अगर आपको, एंड लोकेशन इज अगेन चेन्नई तमिलनाडु, तो इफ यू आर देयर एंड यू आर विलिंग टू डू तो आप जा सकते हो. मस्ट बी क्वालिफाइड अकाउंटेंट विथ 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर आपने ECCA कर लिया है, आपके पास लेट्स से 1 year एक्सपीरियंस है और 2 years एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर समवन जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो IFRS वगैरह में. तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द सेम. ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एनालिस्ट क्रेडिट कंट्रोल एंड प्रीमियम अकाउंटिंग, एंड कंपनी है AXA XL, एंड ये इंश्योरेंस की आई थिंक कंपनी है, एंड आपकी 23rd October को ये जॉब क्लोज होगा. एंड वॉट इज इट, ये कहाँ पे है? गुड़गांव में है. तो अगेन दिल्ली NCR में अगर आपको, डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे दे हैव मेंशन कि क्या है, तो दे हैव रिटन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स इज मैंडेटरी. तो बेसिकली अगर आपने बीकॉम भी किया एंड साथ में लेट्स से यू आर परस्यूइंग ECCA, तो आप पढ़ाई के साथ इफ यू थिंक आप जॉब करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एक्सपोजर टू अकाउंटेंसी और इंश्योरेंस एंड एजुकेशन और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड. तो अगर आप दिखा सकोगे, राइट, कि आप मैं भाई परस्यू कर रहा हूँ अकाउंटिंग की पढ़ाई, बिकॉज ECCA में ऑफकोर्स अकाउंटिंग आ जाता है, तो वो एक बेनिफिशियल हो जाएगा. और अगर आप लेट्स से अफिलिएट हो तब तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हो. ऑलराइट, सो दीज वर द फ्यू जॉब्स. पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस वेबसाइट पे जाके आप और भी बहुत सारे जॉब्स पोस्टेड है, आप वो भी देख सकते हो. मैंने आज बस कुछ फ्यू शॉर्टलिस्ट की थी,
बट ऑफकोर्स देर आर मेनी अदर्स, कुछ EY की भी जॉब पोस्टेड थी, तो आप डेफिनेटली उस पर भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. Alright, so these were the jobs that are there. Of course, इससे बहुत सारी jobs actually posted हैं उस website पे. रोज कोई नई नई jobs आती हैं, इससे कई सारी jobs actually posted हैं और कुछ बिग फोर्स की भी थी, बट मैंने कुछ shortlist किए हैं. आप definitely website पे जाके और filter लगा सकते हैं. अगर आप किसी specific state में हैं तो आप वहाँ का filter लगा लीजिए और देख लीजिए कि उस state में क्या jobs हैं. Of course, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और बहुत jobs available हैं, so definitely आप उस website पे जाइए. इसके अलावा जो मैंने शॉर्टलिस्ट जॉब्स बताई हैं, अगर आपको लगता है उनमें से किसी के लिए आप आपकी स्किल्स सब मैच कर रही हैं एंड आपको जॉब लेते अगर आपको चेंज करना है और किसी में जैसे कि एक्सपीरियंस था मांगा था और आपके पास उतना है और आपको जॉब चेंज करना है, तो आप डेफिनेटली वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सो यस, हैप्पी जॉब हंटिंग. आप डेफिनेटली इन जो मैंने जॉब्स दिखाई उनके अलावा भी उस वेबसाइट पर जॉब्स हैं, आप वो भी देख सकते हो. अदरवाइज ये कुछ जो मैंने 8-9 जॉब्स दिखाए हैं, आप डेफिनेटली उसमें से भी कोई भी जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हो. रिमेंबर, प्रोकेस्टिनेट मत करना कि ओके आज वीडियो देखा अब मैं कल परसों आराम से कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा. आपने अगर देख लिया और आपने मन बना लिया कि ओके मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो अपना रेज्यूमे को टेलर करो एज पर जो उसमें क्या क्या बोला गया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. किसी में अगर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपके जो भी स्किल्स एक्सपीरियंस है वो डाल के रेज्यूमे जो है भेज दो और अप्लाई कर दो. आप वेट मत करो क्योंकि आज नहीं तो कल, फिर आप भूल जाओगे. सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग. Alright, so I will now see you in another video. Next Friday मैं फिर से आऊंगी कुछ और jobs के साथ to highlight कि और क्या नई jobs आएंगी. So इसलिए important है कि आप subscribe करो और notification जो bell icon है उसको भी दबा दो, so that जब भी मेरा next Friday video आएगा आपको पता चल जाएगा and you can watch and then apply for the job. Alright, I'll see you in the next one. Till then, this is ACC Disha Chauhan signing off.